अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं और काफ़ी व्यूज़ कैसे ले सकते हैं। एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी शॉर्ट वीडियो को काफ़ी वायरल कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूँ कि 2023 में जो शॉर्ट्स वीडियो है वो भी मोनिटाइज होने वाली हैं और अच्छी खासी अर्निंग देने वाली हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप भी जो है अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट कर दें और इस ट्रिक से अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल करें और उन पर अच्छे खासे व्यूज लें। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, तो पूरी डिटेल के साथ वीडियो को वॉच करना है और वीडियो के वॉच करने के साथ साथ हमारे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली ऐसी आने वीडियो ऐसी आने अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। सो गाइस, चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने क्या करना है, आपने एक अपना शॉर्ट्स वीडियोज के लिए एक जो है चैनल क्रिएट कर लेना है यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब की वीडियोज के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे उनको जो है इस ट्रिक से वायरल करें। तो गाइज, आपने क्या करना है, आपने अपनी YouTube को ओपन करना है, चैनल को क्रिएट करके यहाँ पर आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम नेट को ओपन कर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेट ऑफ हो चुका है तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है गाइज, अपलोड अ वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी कोई भी शॉर्ट वीडियो को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है या आपने फुल वीडियोस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो है कोई भी अपनी शॉर्ट वीडियो को जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है गाइज, कुछ इस तरीके से वॉल्यूम को म्यूट कर लेंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो में हमारी जो ये वीडियो है इसमें कोई भी मसला ना बने। तो हम जो है कुछ इस तरीके से इसको शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको प्रोसेसिंग होगा, इसको आपने होने देना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। गाइज आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर टेक्स्ट पे आना है। ठीक है, टेक्स्ट पे आने के बाद आपने जो है कुछ इस तरीके का इंटरेस्टिंग लिखना है कि कोई भी बंदा इसको प्ले करे, इसको देखे तो पूरा वॉच करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है फनी वीडियो लिख देते हैं। ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से जो है इसी तरीके से आपने भी लिखना है और यहाँ पर आपने इसको लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने गाइज क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको अपलोड शॉर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है गाइज, तो आपकी वीडियो जो है अपलोड शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपने प्रोसेसिंग लेगा, आपने थोड़ा सा वेट करना है, तो इसको प्रोसेसिंग करने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने कौन सी ट्रिक लगानी है और बाकी आपने क्या काम करना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपने इसको यहाँ से कर दिया अपलोड, तो आपकी वीडियो होगी यहाँ से अपलोड। आपने बैक आना है, यहाँ से आपने वाइट स्टूडियो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और उसको ओपन करना है और वहाँ पर आपकी जो भी चैनल की डिटेल होती है बताई जाती है। तो आपने इसको करना है ऑन। ऑन करने के बाद कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको फर्स्ट में ये वाली वीडियो मिलेगी, तो आपने इस पर क्लिक करना है, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपने जो है इसका टाइटल डालना है और टाइटल में आपको बताने वाला हूँ कि आपने शॉर्ट्स का टाइटल डालना है, मतलब कि दो तीन लफ्ज़ों के अंदर इसका जो टाइटल है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फनी वीडियो। ठीक है, यहाँ पर आप फनी वीडियो लिखेंगे और उसके बाद आप लिख देंगे शॉर्ट्स। ठीक है, और उसके बाद आपने हैश डालनी है और यहाँ पर आपने लिखना है फनी वीडियो। ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है आगे, फिर आपने हैश डालनी है और उसके बाद आपने लिखना है फनी वीडियो शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है फनी वीडियो शॉर्ट लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर जो हैश स्पेस देना है और आगे आपने लिखना है हैश यूट्यूब शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर आपने ये वाला लिख देना है। उसके बाद आपने ऐड डिस्क्रिप्शन में आना है, तो यहाँ पर आपने दो तीन लाइनें जो है इसी वीडियोज़ के रिलेटेड लिख देनी है, दो तीन जो है लाइन्स लिखनी है, बस सिंपल दो तीन लाइन्स। और उसके बाद हैश डाल के आपने कुछ इस तरीके के जो है टैग लगा देने हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं गाइज, कुछ इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद आपने फिर हैश डालना और यहाँ पर आपने लिखना है फ़नी वीडियो। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेम वही जो कि आपने पहले लिखा था, फिर आपने लिखना है शॉर्ट्स जो है वीडियो। ठीक है, और हम जो है शॉर्ट वीडियो लिख लेंगे और फिर आपने लिखना है यूट्यूब शॉर्ट। ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से ये लिखना है। उसके बाद आपने बैक आना है, बैक आने के बाद आपने सेलेक्ट ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने ये वाले नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब कि हमारी ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपने कैटागरी पर आना है और यहाँ पर आपने जो है एक मेन काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आप टैग्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपने ये वाला
चेक मार्क जो है इसको आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। मेन चीज़ यही है, ये एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपने क्या किया, अभी आपको पता नहीं लेकिन जब बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो गाइज ये जो शो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो, ठीक है, काफ़ी लोग जो है लाइक्स देखते हैं वीडियो पर, तो वहाँ पर जिसके कम लाइक्स होते हैं तो उसको जल्दी से वो स्किप कर देते हैं। अगर ये वाला चेक मार्क लगा हो तो वहाँ पर लाइक्स दिखाए जाते हैं, अगर ये वाला ना लगा हो तो वहाँ पर लाइक्स नहीं बताता, सिंपली यही कहता है कि लाइक्स नहीं है यहाँ पर, जब लाइक्स करते हैं तो वहाँ पर लाइक्स शो हो जाते हैं, अगर ये नहीं होगा तो जब लाइक्स करेंगे तो वहाँ पर लाइक्स शो नहीं होंगे, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से जो है आपने अपनी वीडियोज़ की सेटिंग करनी है, और यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी जो भी है यही जो है पीपल ब्लॉग्स वाली, इसको सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक दो तीन टैग्स भी डाल लेने, और उसके बाद आपने जो है बैक जाना है और सेव करके इसको आपने जो है अनलिस्टेड करना है, पब्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अनलिस्टेड पहले हुई हुई है, तो हम यहाँ पर पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप जो है सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज़ हमारी जो वीडियो है बहुत जल्द जो है वायरल होगी, और कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियोज़ काफ़ी डालेंगे शॉर्ट्स, तो आपकी वीडियोज़ में काफ़ी व्यूज़ आने वाले हैं और आपकी वीडियो काफ़ी वायरल होने वाली है। तो गाइज़ आज की जो वीडियो थी यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली ऐसी हर न्यू वीडियो, ऐसी हर न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।